किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली पुलिस की हरी झंडी, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर से दिल्ली में एंट्री की इजाजत, गड़बड़ी फैलाने वालों पर रहेगी पैनी नजर। ट्रैक्टर रैली के दौरान होगी सीएपीएफ और पुलिस की भारी तैनाती, गड़बड़ी पर तुरंत रिएक्ट करेगी दिल्ली पुलिस, रूट पर जगह जगह सीसीटीवी लगाने का भी प्लान। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए टिकरी बॉर्डर से हटाए गए बैरिकेड्स, गणतंत्र दिवस परेड के बाद होगी रैली। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेताओं का दावा, कहा पुलिस ने अपना काम किया, अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, सभी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना जाए। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सिख युवक ने किसानों के समर्थन में लगाए नारे, लोगों से किसानों को सपोर्ट करने की अपील की। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, 13 से 18 जनवरी के बीच सक्रिय थे पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल, ट्रैक्टर रैली के दौरान गड़बड़ी की साजिश का भी शक। ट्रैक्टर रैली में सादी वर्दी में भी रहेंगे पुलिस के जवान, सूत्रों के हवाले से खबर, इंटेलिजेंस के लोग जगह जगह आतंकी गतिविधियों पर रखेंगे नजर। ट्रैक्टर रैली को लेकर कृषि मंत्री का बयान, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए रैली, 26 जनवरी को रैली ना करे किसान, कोई ताकत चाहती है कि आंदोलन चलता रहे। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बाइक स्टंट का वीडियो वायरल, ट्रैक्टर रैली से पहले ही हंगामे की तैयारी। सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद के काफिले पर हमला, लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू के साथ धक्का मुक्की की गई। रैली की इजाजत मिलते ही किसानों का तांडव शुरू, बुलंदशहर में ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े किसान, 26 जनवरी को रैली। हरियाणा के झज्जर में किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस मुस्तैद, गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने की भी तैयारी। मुंबई पहुंचा नासिक के किसानों का जत्था, आजाद मैदान में 26 जनवरी को कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा पुलिस फोर्स के साथ ट्रैक्टर परेड का दिल्ली में 46 किलोमीटर लंबा रूट होगा, रैली शांतिपूर्ण होगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए अमृतसर से भी निकला किसानों का जत्था, अलग अलग तरीकों से ट्रैक्टर को किया गया मॉडिफाई। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच झड़प, ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आ रहे किसान, अलीगढ़ में पुलिस ने किसानों को रोका। ट्रैक्टर मार्च में महिलाएं भी होंगी शामिल, दिल्ली की ओर कूच कर रहे जत्थे में ट्रैक्टर चलाती दिखी महिला। पंजाब के लुधियाना से रवाना ट्रैक्टर रैली में दिखी लग्जरी गाड़ियां, रैली में लाखों की कीमत वाली बाइक्स भी शामिल। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली में भी देश विरोधी साजिश, ट्रैक्टर्स पर कनाडा और अमेरिका के झंडे भी दिखे। ट्रैक्टर मार्च के पीछे खालिस्तानी साजिश का एक और खुलासा, सिख फॉर जस्टिस ने ट्रैक्टर रैली में तिरंगा नहीं लगाने को कहा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर भड़काया किसानों को, कहा किसानों का दमन करना चाहती है बीजेपी, पुलिस के जरिए आंदोलन को कुचलने की कोशिश। एमपी के इंदौर में आयोजित किसान रैली में शामिल हुए एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हेलीपैड से सभा स्थल पर ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। तमिलनाडु के इरोड में बोले राहुल गांधी, मजदूर किसान और बुनकरों को सुरक्षा और मौके दिए जाते तो चीन कभी भी भारत में घुसने की हिम्मत नहीं करता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी सुरक्षा सख्त, 26 जनवरी कार्यक्रम को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के पूंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकियों और घुसपैठियों पर सुरक्षा बलों की खास नजर। जम्मू में मिशन स्टेट हुड ने निकाली पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तिरंगा रैली, पाक पर भारत में सुरंगों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी लगाया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति कोविंद, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का असम का कोकराझार में उनका जनसभा, कहा बोडो समझौते से असम में शांति आई। असम में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस से 50 सालों तक असम को रक्त रंजित रखा। कर्नाटक के बेंगलुरु में फिर दिखा तांडव के खिलाफ अब केस दर्ज, एक्टर डायरेक्टर और अमेजन समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। श्रीराम के नारे से चिढ़ने वाली दीदी का दोहरा चरित्र, साल 2018 का वीडियो वायरल, इंशाअल्लाह के नारे लगाती दिखी ममता बैनर्जी। श्रीराम के नाम से चिढ़ने वाली ममता बैनर्जी पर गरमाई सियासत, एमपी के प्रोटेम स्पीकर ने दीदी को भेजी रामायण पाठ करने की सलाह। नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस का बयान, कहा भगवान श्रीराम नेताजी के आदर्श, ममता खुद भी जय श्रीराम बोल सकती है। दिल्ली के कैलाश नगर में पब्लिक किचन के एक महीना पूरा होने पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने खाया खाना, हफ्ते के 6 दिन हर रोज 600 लोगों को खिलाया जाता है खाना। दिल्ली में लगातार कम हो रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 185 नए मरीज मिले हैं, एक दिन में कोरोना से 9 मरीजों की मौत। देशभर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, इस दौरान 155 लोगों की मौत। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 1,84,408 हुए। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर युगांडा के दो नागरिक गिरफ्तार, दोनों के पास से 52 पैकेट में करीब 10 किलो हेरोइन जब्त। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, 5 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है पुलिस।
बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह बीजेपी नेता राजवर्धन सिंह राठौर का कांग्रेस पर कहा, कांग्रेस से राजस्थान नहीं संभल रहा, गहलोत सरकार किसान महिला और गांव विरोधी है। रेप के आरोपियों को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह हुए गंभीर, बलात्कारियों को तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए, न्याय प्रणाली में सुधार की सख्त जरूरत। यूपी में घर में लिमिट से ज्यादा रखी शराब तो लेना होगा लाइसेंस, 12,000 रुपए देनी होगी फीस, यूपी सरकार ने जारी की है नई अबकारी नीति। यूपी कानपुर में वीएचपी ने निकाला मार्च, श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए शहर में जुलूस। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 70 पर्यटकों का पुलिस ने किया रेस्क्यू, बर्फबारी के बाद खजियार में अलग अलग राज्यों में पर्यटक फंसे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लद्दाख के जंस्कार में राष्ट्रीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया उद्घाटन, पीएम के टूरिज्म की नई जगहों को एक्सप्लोर करने वाली बात दोहराई। लद्दाख के जंस्कार में विंटर खेल महोत्सव का आगाज, 13 दिन तक खेलों के इस मेले में कई प्रतियोगिताओं का भी होगा आयोजन। शादी के बंधन में बंधे अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल का शादी अब अलीबाग के फार्म हाउस में हुआ और वहां पर उन्होंने सात फेरे लिए, इस समारोह में कई सितारों ने भी शिरकत। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी में माइनस में तापमान, मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से अटल टनल में केलांग तक सड़क जाम। लंदन में हर ओर बर्फ की बर्फ, सफेद चादर पे लिपटे सड़क घर, सड़कें और गाड़ियां, दशकों बाद हुई इतनी बर्फबारी का मजा लेने के लिए घर से बाहर आए लोग। पड़ोसी देश नेपाल में बहुत बड़ा सियासी संकट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की से बर्खास्त किए गए पीएम केपी शर्मा ओली। पाकिस्तान की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, यूएन की ने अपने कर्मचारियों से की अपील, पाकिस्तान के प्लेन में ना करें सफर, पाक पायलटों के फर्जी लाइसेंस के बाद फैसला।